प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का टॉपिक है एंजाइम का दूसरा भाग एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी इसमें मैं मैं आपको चार चीजें बताऊंगा चार हेडिंग होगी एंजाइम की विशेषताएं या विशिष्टताएं और एंजाइम मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज और चौथा होगा को मित्रों शुरुआत करते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी यानी एंजाइम की विशिष्टता या विशेषता द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज वन ऑफ द देयर मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंजेम्स की जो विशेषता है या विशिष्टता जो है वो उनकी सबसे आधारभूत या मौलिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज हैं यानी लक्षण हैं एंजाइम्स कैटेलाइज ओनली वन स्पेसिफिक रिएक्शन और एक्ट अपॉन ओनली वन काइंड ऑफ सबस्टेट एंजाइम्स जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की विशिष्ट अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और एक विशेष प्रकार के ही सबस्टेट या आधार पर अपनी क्रिया प्रदर्शित करते हैं द एनजाइम्स शो स्पेसिफिसिटी ऑफ हॉर काइंड्स एंजाइम्स चार प्रकार की विशिष्टताएं प्रदर्शित करता है नंबर फर्स्ट एंजाइम स्पेसिफिटी रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंजाइम शो स्पेसिफिस इन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कैटलाइज एंजाइम अपनी विशिष्टता किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उनके आधार पर फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेजिज कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ऑनली एस्ट्रे इस प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटेलाइज उत्प्रेरित करते हैं या हाइड्रोलाइज करते हैं या जल अपघटन करते हैं सिर्फ एस्टर का और एस्टर क्या है सी डबल ओ आर एक फंक्शनल ग्रुप होता है दे कैन नॉट कैटेलाइज अदर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस ये अन्य प्रकार की किसी भी जल अपघटनी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरित या कैटेलाइज नहीं करते हैं सो दे फंक्शन एज ऑक्सीडेज एंड डी कार्बोक्सिलेजेज एटसेट्रा इसलिए ये ऑक्सीडेजेज या ऑक्सीडेज और डी कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करने वाले होते हैं इत्यादि सेकेंड सबस्टेट स्पेसिफिसिटी जो सबस्टेट जिसके ऊपर रिएक्शन करता है एंजाइम उसके साथ में क्या विशिष्टता प्रदर्शित करता है एंजाइम्स आर सबस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्टेट के लिए विशिष्ट होते हैं दैट इज ए पर्टिकुलर एंजाइम विल एक्ट ऑनली ए सर्टेन सबस्टेट सबस्टेट एक पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार का एंजाइम सिर्फ एक विशेष प्रकार के सबस्टेट पे ही क्रिया करेगा फॉर एग्जाम्पल यूरिएज एक्ट अपॉन यूरिया यूरिएज जो होता है वो यूरिया पर ही क्रिया करता है ऑनली बट इट वुड नॉट एग्जैक्ट एनी इंफ्लुएंस ऑन द दैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लेकिन इनका एकदम सटीक यहां कहना सही होगा कि इनका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म जो होता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है थर्ड ग्रुप स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा हट करके आ रहा है ए पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन ए पर्टिकुलर केमिकल ग्रुपिंग एक पर्टिकुलर एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम सिर्फ एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं जो समूह में चलती हैं उनके ऊपर अपनी रिएक्शन या अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइडेज ऑन ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर ही क्रिया करता है अल्कोहल डी ऑन अल्कोहल अल्कोहल डी एल्कोहल पर भी क्रिया करेगा पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑन प्रोटीन पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर क्रिया करते हैं एस्ट्रेज ऑन एस्टर्स एस्टर्स अभी बताया है फंक्शनल ग्रुप होते हैं सी डब्ल ओ आर कहते हैं इनको काइमोट्रिप्सिन प्रेफरेंशियली हाइड्रोलाइजेज पेप्टाइड बॉन्ड इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एरोमेटिकमिनो एसिड्स यहाँ काइमोट्रिप्सिन नाम आ रहा है ये प्रिफरेंशियली हाइड्रोलाइजेज प्रमुखता से किसका का गठन करते हैं हाइड्रोलाइसिस किसका कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स का कर रहे हैं इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एरोमेटिक एमिनो एसिड्स किस प्रकार के जो एरोमेटिक प्रकार के एमिनो एसिड्स ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंट्रीब्यूशन दिया था पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बन मध्य बनता है और सी ओ एन एच के नाम से अपन पेप्टाइड बॉन्ड को बोलते हैं इनमें से वो एरोमेटिक कम एमिनो एसिड जिन्होंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है उनके ऊपर ये काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रमुखता से हाइड्रोलाइजेज करता है अपघटन करता है जल अपघटनी करता है वो एमिनो एसिड कौन से हैं जिन्होंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए दिया है फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन एंड और ट्रिप्टोफेन एटसेट्रा नेक्स्ट चौथा आ रहा है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी या इसको स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं यहां ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब प्रकाशी की प्रकाशी की विशिष्टता और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है ये एक रिएक्शन की प्रॉपर्टी है रिएक्शन मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रिएक्शन मैकेनिज्म दैट लीड्स टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट्स या और विच ऑपरेट्स ऑन only one of दी स्टीजियो आइसोमर्स यहां ये देखिए नीचे पैरिक एसिड जो है वो दो प्रकार के एल और डी लैक्टिक एसिड में टूट रहा है एल और डी ये एल यानी यहां में लिवर यानी कार्बन नंबर दो पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर बाई और है तो वो एल एसिड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में है कार्बन नंबर एक और कार्बन नंबर दो राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको डी इलेक्ट्रिक एसिड कहेंगे इन दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकार के आगे एंजाइम अपनी प्रदर्शिता या अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे एंजाइम्स शो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी फॉर एट एटलीस्ट ए पोर्सन ऑफ ए सबस्टेट मॉलिकुल एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी प्रकाशी की विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं एक सबस्टेट के मोलिकुल छोटे से मोलिकूल पे यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस होता है तो जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं आइसोमर्स ये आइसोमरी हैं दोनों लैक्टिक एसिड के एल और डी दोनों आइसोमर हैं इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स कर ये कर रहे हैं देखिए माल्टेज कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए अल्फा बट नॉट बीटा ग्लाइकोसाइड्स माल्टेज नाम का जो एंजाइम है वो उत्प्रेरित करता है हाइड्रोलाइसिस के लिए जल अपघटन के लिए अल्फा ग्लाइकोसाइडेज को की बीटा ग्लाइकोसाइड्स पर एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड डायरेक्ट ऑक्सीडेट ऑक्सीडेटिव पाथवे एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवेज कैटेलाइज द इंटरेक्शन इंटरकन्वर्जन ऑफ डी बट नॉट एल फॉस्पोसुगर्स ग्लाइकोलाइसिस में और प्रत्यक्ष रूप से चलने वाला अक्षिकरणीय मार्ग जो है उसके अंदर जो एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं वो इंटरकन्वर्जन इंटरकन्वर्जन करने वाले जो एंजायम जो होते हैं वो डीप फोस्पोसुगर्स के ऊपर तो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं बट एल या लिवो पे ऊपर अपनी अभिक्रिया कदापि दर्शाते नहीं मेजोरिटी ऑफ मेमिलियन एंजाइम्स एक्ट ऑन दी एल आइसोमर्स ऑफ एसिड्स। आइसोम एंजाइम्स मेमल्स में स्तनधारियों में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवो आइसोमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स के ऊपर ही अपनी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं डेस्क पर नहीं हालांकि लिवो को स्मॉल एल से लिखते हैं या माइनस से लिखते हैं और डी को डेक्सट्रो को प्लस में लिखते हैं और स्मॉल डी होगा ये एल और डी आइसोमे आइसोमर्स के लिए काम में लिया है कि ग्रुप कार्बन नंबर दो पे अगर बाही हो रहे लेफ्ट एंड में है तो एल राइट अपोजिट याद अपने आप रह जाएगा एल के उल्टा हो जाएगा राइट हैंड साइड में है तो डी हो जाएगा एन एग्जाम्पल ऑफ पायरिक एसिड टू लैक्टिक एसिड बाई रिडक्शन यहाँ उदाहरण ले रहे हैं पायरिक एसिड जो है ये पैरिक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड में बदल रहा है दिस प्रोसेस कैन बी एक्म्प्लिस्ट बाई टू डिफरेंट एंजाइम्स ये प्रक्रम जो है ये दो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स द्वारा पूर्ण होता है ईच प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रत्येक एंजाइम जो होता है ये यह यहाँ पैरिक एसिड जो एल बना है लैक्टिक एसिड यहाँ दूसरा एंजाइम काम में आएगा यहाँ डी बन रहा है यहाँ पे दो आएंगे और दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं यानी कि सिर्फ संरचनात्मक सूत्र में ही बदलाव आया है कार्बन नंबर दो पे एक तरफ तो दाही और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक तरफ ओर है और है तो एल और दाही और है तो डी इलेक्ट्रिक एसिड यह है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी प्रकाशी की विशिष्टता अब आ रहा है बंधु एंजाइम मैकेनिज्म एंजाइम अपनी किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है क्रियाविधि क्या है इनके लिए दो मॉडल प्रतिपादित किए गए हैं एक पुराना है एक लेटेस्ट मॉडल है देर आर टू मॉडल या थ्योरीज दैट सजेस्ट द एंजाइम सब स्टेट इंट्रेक्शन दीज आर एज फॉलो जो क्या समझाते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं उनको दर्शाते हैं वो निम्नलिखित हैं एक तो थ्योरी है जिसको अपन ताला कुंजी सिद्धांत या लॉक एंड की मॉडल या फिशर थ्योरी कहते हैं लॉक एंड की मॉडल द स्पेसिफिक यहां ये पीछे मैंने आपको सब स्टेट सब सबस्टे, स्पेसिफिसिटी जो बताई थी उसके अंदर भी आप दे सकते हो अलग प्रश्न आता है तो आपको अलग देना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया जबकि एंजाइम स्पेसिफिसिटी का ही एक पार्ट है और सब स्टेट वाले पॉइंट के अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है द लॉक एंड की मॉडल में क्या है रहा है द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम विद ए सिंगल सबस्टेट यूजिंग लॉक एंड की एनालॉजी एनालॉजी यानी एनालॉजी किसको बोलते हैं समानता को क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक जो क्रिया हो रही है एक एंजाइम के द्वारा एक विशेष प्रकार के एक ही सबस्टेट के ऊपर इसको अपन लॉक एंड की एनालॉजी कहते हैं फर्स्ट पोस्ट इज ये धारणा या अवधारणा 1894 के अंदर एम फिशर ने दी थी इन दिस एनालॉजी एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम ताला तो क्या है एंजाइम और की इज द सब्सट्रेट सब्सट्रेट क्या है कुंजी है चाबी है ओनली द करेक्टली साइज की एकदम सटीक आकार की की यानी सब फिट्स इनटू द की होल यानी एक्टिव साइट बोलते हैं की होल को सक्रिय स्थल बोलते हैं एंजाइम के अंदर निष्क्रिय स्थल भी होते हैं सक्रिय स्थल भी होते हैं और सक्रिय जो स्थल होते हैं उनको की होल बोलते हैं ऑफ लॉक लॉक विल क्या है करेक्ट है, सब है. स्टेट एकदम निश्चित आकृति का कोई सबस्टेट वाइंड दाइड एन एंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म तो एंजाइम और सब स्टेट का एक जटिल सम्मिश्र बनता है या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और उसके बाद में जो एंजाइमी अभिक्रिया सबस्टेट के ऊपर अपना एंजाइम अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा तो सबस्टेट के अंदर बदलाव आएगा उनके क्रिया करने के कारण से और जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिलीज हो जाएगा आगे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा दूसरी है एंजाइम फिट मॉडल या एंजाइम इंड्यूस्ड थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी भी बोलते हैं इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या एंजाइम फिट मॉडल या एंजाइम इंड्यूस्ड थ्योरी ये लेटेस्ट सिद्धांत है दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डेनियल कॉसलैंड इन 1958 इस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को एंजाइम फिट मॉडल या एंजाइम इंड्यूस्ड थ्योरी या इंड्यूस्ड थ्योरी भी बोलते हैं मॉडल भी कहते हैं ये उन्नीस में डेनियल कॉसलैंड नाम के बायोकेमिस्ट ने प्रतिपादित किया था और क्या एक्सप्लेन करता है प्रोटीन कन्फर्मेशनल चेंजेस इन बाइंडिंग प्रोसेस प्रोटीन कन्फर्मेशनल यानी विन्यास में परिवर्तन होता है बाइंडिंग प्रोसेस के द्वारा दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एन एंजाइम वहन बाइंडिंग विद इट सबस्टेट ये इस सिद्धांत के मुताबिक जब एंजाइम सबस्टेट के साथ जुड़ता है ऑप्टिमाइज द इंटरफेस थ्रू फिजिकल इंटर एक्शन टू फॉर्म द फाइनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो भौतिक स्वरूप में जो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ में मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है आफ्टर दैटालाइटिक फंक्शन ऑफ सबस्ट्रेट बाय एंजाइम एंजाइम के द्वारा जब सबस्ट्रेट के ऊपर उत्प्रेरणीय या कैटालिटिक फंक्शंस अभिक्रियाएं होंगी या उत्प्रेरित करने के पश्चात प्रोडक्ट इज रिलीज दोनों में प्रोडक्ट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा आगे मैं आपको डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूँ ये ऊपर तो है ये देखिए लॉक एंड की हाइपोथेसिस या लॉक एंड की मॉडल बोल दो चाहिए यहां देखिए आप ये ये तो क्या है लॉक है और ये दो हैं चाबियां और ये एक्टिव साइट है तो ये तो है एंजाइम पूरा का पूरा क्या है ये देखिए एंजाइम और इस एक्टिव साइट के ऊपर और इस एक्टिव साइट के ऊपर दो भिन्न भिन्न प्रकार के सब आकर के जुड़ रहे हैं तो एंजाइम प्लस सबस्टेट एंट्रिंग प्रवेश कर रहे हैं एक्टिव साइट्स ऑफ दी एंजाइम्स एंजाइम की एक्टिव जो साइट है उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं ये देखिए एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बन गया दूसरे डायग्राम के अंदर कलर सेम है अभी तक इसका भी कलर सेम है जब एंजाइम के संपर्क में सब जो आएंगे उसके बाद में इनका कलर परिवर्तित हो जाएगा इसका मतलब इसके अंदर कैटलाइजेशन या उत्प्रेरणीय अभिक्रिया द्वारा बदलाव आएगा यह देखिए कलर अलग बदल गया पीलापन सा ले लिया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया ये तो एंजाइम सबस्ट्रेट ये तो दो तो दोनों सबस्ट्रेट थे यहाँ कलर चेंज हो गया इसका मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम ने अपनी अभिक्रिया की है और उसका स्वरूप बदला है अब फोर्थ डायग्राम के अंदर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट्स जी ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो एंजाइम तो अपनी वास्तविक स्थिति में रहता है आर ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये देखिए बाहर निकल गए दोनों आपस में जुड़े हुए जबकि यहां दोनों आपस में सेपरेट अलग अलग आकर के सबस्टेट जो थे वो अलग अलग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के ऊपर आकर के जुड़ रहे थे तो एंजाइम सबस्ट्रेट यानी लॉक के अंदर ये चाबियां आ रही हैं सब स्टेट्स आ रहे हैं और ये लॉक एंड की हो गई यहाँ भी लॉक एंड की है यानी एंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स है कलर बदल गया सब स्टेट के अंदर अपनी एंजाइम अभिक्रियाएँ दर्शाता है और उसके बाद में अभिक्रिया चलाने के पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है जो उत्पाद बनता है वो एंजाइम से पृथक हो जाता है एंडस्ट फिट मॉडल जिसको एंजाइम एंडस्ट फिट मॉडल भी बोलते हैं इसमें देखिए आप सबस्टेट एंट्रिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ये जो सबस्टेट हैं दो आपस में जुड़े हुए वो आकर के इस एंजाइम के ये एंजाइम है लोक है और ये कीज हैं ये एक्टिव साइट पे आकर के जुड़ रही हैं और आने के पश्चात सेम एंजाइम सब कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे ऊपर बनाया वैसे ही नीचे बन रहा है अब देखिए अब यहां एंजाइम इन सबस्टेट के ऊपर अपनी क्रिया बदलता है तो सब का स्वरूप बदल जाएगा कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा तो कलर भी बदल गई है देखिए आप स्लेटी रेडिश कलर का दिखाई दे रहे हैं यहाँ कलर अलग है यहाँ कलर अलग हो जाएगा ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये यह यहाँ तो थे ये सब ये हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कब बनेंगे जब एंजाइम अपनी एंजाइम अपनी दोनों एक्टिव साइट के ऊपर अपनी अभिक्रिया अभिक्रिया प्रदर्शित करता है दोनों सब के ऊपर चौथे के अंदर वापिस प्रोडक्ट जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़ देते हैं बाहर निकल जाते हैं ये देखिए एक इधर प्रोडक्ट निकल गया ये इधर अलग प्रोडक्ट निकल गया इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं लगभग मिलता जुलता लगभग मिलता जुलता दोनों थ्योरी है ये उत्प्रेरित हो रही है और ये ताला कुंजी सिद्धांत लॉक एंड की थ्योरी है इसमें देखिए लॉक एंड की थ्योरी के अंदर जो प्रोडक्ट बने थे वो दोनों एक साथ जबकि इंडस फिट मॉडल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो सबस्टेट के ऊपर अभिक्रिया करने के पश्चात जो प्रोडक्ट बनते हैं वो पृथक पृथक जुड़े थे साथ आकर के और हो गए अलग अलग तो ये है दोनों लॉक एंड की मॉडल या हाइपोथेसिस ये है इंड्यूस्ड फिट मॉडल या एंजाइम इंड्यूस्ड फिट थरी या हाइपोथेसिस या मॉडल माय डियर फ्रेंड्स फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक है सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर कई प्रकार के कारक जो होते हैं वो एंजाइम्स की अभिक्रियाओं के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं जिसमें पहला है तापक्रम बिटवीन ए रेंज ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टू फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वहन द टेम्परेचर इज राइज जीरो डिग्री से लेकर के पैंतालीस डिग्री तक प्रासर प्रास में रेंज में एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं और एक्टिविटी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इट हैज बीन फाउंड ये पाया गया है कि ए राइज ऑफ टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हास्ट द रिएक्शन टू और थ्री टाइम अगर दस डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है एंजाइम रिएक्शन की क्रियाशीलता दो से तीन गुना बढ़ जाती है द इंक्रीज इज ड्यू टू टू फैक्टर्स ये जो दो से तीन गुणा एंजाइम की क्रियाशीलता जो बढ़ी है ये दो कारकों के द्वारा बढ़ी है द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑन द केमिकल रिएक्शन इट सेल्फ यहाँ हीट का प्रभाव आया है जिसके कारण से रासायनिक जो क्रिया अपने आप जो चल रही है उसमें गति आ जाती है दूसरा ये एंजाइम की एक्टिविटी को एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है कौन टेम्परेचर ओनली दस डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जीरो से 10 हो गया तो भी द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन डू नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज एट द सेम पॉइंट यूजुअली इन ए रेंज बिटवीन 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस क्या कह रहा है रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन डू नॉट इंक्रीज इन इनडेफिनेटली एज द टेम्परेचर इज इनक्रीज एट द्विंट इसी समय इसी समय जब अपन दस डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उसी समय अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी सेम पॉइंट के ऊपर रेंज होती है मैक्सिमम फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री थर्मल डी नेचुरेशन विल डिस्ट्रॉय कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम प्रोटीन अत्यधिक तापक्रम मैंने बताया पैंतालीस डिग्री तक पैंतालीस से साठ डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसी समय उसी पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो तापक्रम के द्वारा डी नेचुरेशन विकृति आ जाती है विल डिस्ट्रॉय द केटालिटिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम प्रोटीन एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है वो डीनेचुरेशन में चला जाता है विकृति में चला जाता है एज द एंजाइम ऑफ इज इनएक्टिवेटेड जैसे ही एंजाइम निष्क्रिय होता है द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज स्लो डाउन जो एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है वो धीमी हो जाती है और अल्टीमेटली स्टॉप्स और अंतिम आखिरकार रुक जाती है देर इज दस एन ऑप्टिम टेम्परेचर ऑफ ईच एंजाइम एसेंशियल इसका मतलब अनुकूल अनुकूलतम तापक्रम की आवश्यकता होती है प्रत्येक एंजाइम के लिए most एंजाइम operate at their best in a temperature range about 25 degree to 45 degree celsius डिग्री yes, सेल्सियस अधिकतर जो एंजाइम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली एंजाइमी अभिक्रिया 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रेंज में सबसे ज्यादा अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं फिर भी हाउवेयर सर्टेन एंजाइम्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि अत्यधिक तापक्रम के ऊपर भी प्रतिरोध अत्यधिक तापक्रम का भी प्रतिरोध करने में सक्षम होते हैं वेरी रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर अत्यधिक तापक्रम होने पर भी ये अपने अभिक्रियाएं जारी रखता है यानी तापक्रम का इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है सेकेंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पी एच पोटेंशिया हाइड्रोजीना कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कहते हैं इनको लेकिन पी एच का नाम है पोटेंशिया हाइड्रोजीना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइन्स ईच एंजाइम इज कैटालाइटिकली एक्टिव विद इन ए लिमिट रेंज ऑफ पी एच प्रत्येक एंजाइम जो है वो एक सीमित प्रास या लिमिट रेंज के ऊपर ही उत्प्रेरण करने के लिए सक्रिय होता है फॉर एग्जाम्पल एक उपयुक्त पीएच पर ही उत्प्रेरण करने के लिए सक्रिय होता है एंजाइम फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमम रेंज फॉर द सलाइवरी अमाइरेज सलाइवा के अंदर पाए जाने वाला सलाइवरी एमाइलेज जो होता है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच होती है सिक्स पॉइंट सेवन फॉर ट्रिप्सिन बिटवीन एट टू इलेवन ट्रिप्सिन डूडनम के अंदर कार्य करता है वहाँ क्षारिय माध्यम होता है और उनकी पीएच एच वहाँ आठ से लेकर के ग्यारह तक हो तो भी ये अपनी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है पेप्सिन हमाशे में क्रिया करता है हमासे में ऑक्जेंट्रिक सेल्स के द्वारा कार्डियक भाग में पाए जाने वाले ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लगातार स्तर होता है जिसके कारण से मध्यम अम्लीय बन जाता है और पीएच लगभग दो बन जाती है तो 1.5 से 2.5 तक पीएच तक क्रिया करते हैं इन ऑल दीज केसेज एक्टिविटी डिक्लाइंस ग्रेजुअली एन आइदर साइड ऑफ ऑप्टिमम एक अनुकूलन अनुकूलतम पीएच से अगर पीएच कम हो जाए या पीएच बढ़ जाए किसी निश्चित प्रकार के एंजाइम के लिए या अधिकतर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं इन सभी प्रकार के जो कैसेज होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो जितना आवश्यक होता है उससे कम या जो अनुकूल अनुकूलतम तापक्रम से कम पीएच एच पीएच अनुकूलतम पीएच से कम पीएच या अत्यधिक पीएच हो जाए तो एंजाइम क्रिया करना बंद कर देगा मोस्ट एंजाइम्स ऑपरेट इफेक्टिवली इन ए पीएच रेंज ऑफ अबाउट फाइव टू नाइन अधिकतर जो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रभावशाली तरीके से क्रिया करते हैं उनकी पीएच की जो परास या रेंज जो होती है वो पांच से लेकर के नौ तक होती है एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच वैल्यू कैन कॉज डी नेचुरेशन एंड हैन्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम प्रोटीन्स। अगर पीएच वैल्यू पोटेंशिया हाइड्रोजना या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है वो विकृत हो जाता है डी नेचुरट डी हो जाता है और एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है निष्क्रिय हो जाता है एंजाइम कंसेंट्रेशन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्टिकुलर एंजाइम इन मोस्ट केसेस इंक्रीज प्रोपोर्शनल proportionally विद इंक्रीजिंग concentration ऑफ दी एंजाइम या क्या कह रहा है जो एंजाइम की किसी भी अभिक्रिया में कार्य करने की जो दर होती है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम के बारे में बता रहा है इन अधिकतर केसेस के अंदर जो अभिक्रिया चल रही है वो अनुपातिक रूप से एंजाइम की सान्दरता अगर ज्यादा होगी तो एंजाइम की अभिक्रिया भी द्रुत गति से चलेगी प्रोड्यूस दैट द सब इज प्रजेंट अबॉडियटली लेकिन सब भी ज्यादा था और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा सब से प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा अगर एंजाइमी अभिक्रिया बड़ी द्रुत गति से चलेगी तो सब अधिक होते हुए भी प्रोडक्ट्स उत्पाद जो होते हैं वो द्रुत गति से बनेंगे या बहुदायत बनेंगे सबस्टेट कंसेंट्रेशन सब स्टेट की कंसेंट्रेशन ये ये पॉइंट आ रहा है एट ए कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर एंजाइम की सांद्रता स्थिर है द रिएक्शन रेट इंक्रीजिंग सब स्टेट कंसनट्रेशन अंटिल ए मैक्सिमम वेलोसिटी इज रीच्ड एंजाइम की सांद्रता अगर स्थिर है तो रिएक्शन रेट जो है एंजाइम और सबस्टेट के बीच में चलने वाली अभिक्रिया की जो दर्द जो है वो ज्यादा तीव्रता तक पहुंचने तक ही सबस्टेट के साथ में सबस्टेट की सांद्रता के साथ में क्रिया करता है एट इस

तो कैटालाइटिक साइट वन फील्ड कैटालाइटिक जो साइट है वो भर जाती है सो द रिएक्शन रेट रिचेज एट मैक्सिमम इस कारण से एंजाइम उसके सब के ऊपर अभिक्रिया मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन रेट रिचेज ए मैक्सिमम अभिक्रिया की दर जो है वो अधिकतम हो जाती है देयर फॉर इसलिए फर्दर इंक्रीज़ इन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अगर आगे फिर भी सबस्ट्रेट की फिर अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ जाए तो एंजाइम की अभिक्रिया जो है वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगी फिर ये मित्रों पांचवा पॉइंट आ रहा है इज important some enzymes required small non protein compound called cofactor for their activity kuch enzymes jo hote hain unke andar non protein part ban paya jata hai बोलते हैं सामान्य भाषा में कहते हैं enzymes are प्रोटीनियस in nature. एक enzyme ribozyme नाम का जो enzyme जो है वो बिना protein का भी बना होता है नॉन प्रोटीनियस एंजाइम सिंगल है दैट इज राइबोजाइम तो इसका मतलब एंजाइम के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाए जाते हैं जिसको को फैक्टर बोलते हैं और ये को फैक्टर जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी या क्रियाशीलता को बढ़ावा देते हैं फॉर एग्जाम्पल द साइटोक्रोम्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कॉन्जुगेटेड यानी संगलित संयुगवित प्रोटीन होती हैं हैविंग लाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसके साथ में हल्का हल्के रूप में या हल्का सा बंधा हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस इट हैज बीन फाउंड दैट द एक्टिविटी ऑफ मेनी हार्मोन्स एंड सर्टेन ड्रग्स या टॉक्सिन रिजल्ट्स फ्रॉम इनहिबिशन या इनहेंसमेंट ऑफ एंजाइम एक्शन ये भी पाया गया है कि कुछ हॉर्मोन्स या औषधियां या ड्रग्स या विषैले पदार्थ टॉक्सिन जो होते हैं वो एंजाइमी की अभिक्रियाओं को या तो बिल्कुल धीमी कर देते हैं संदमित कर देते हैं या उनको बहुत तीव्र गति से बढ़ा देते हैं इनहेंसमेंट ऑफ एंजाइम एक्शन एंजाइम्स की क्रियाशीलता को या तो बिल्कुल कम कर देते हैं या अचानक उनको बढ़ा देते हैं लास्ट शॉर्ट नोट आ रहा है को एंजाइम डेफिनेशन है इसकी को एंजाइम जनरली एक्ट्स एज एसेप्टर और डोनर्स ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप और ऑफ एटम्स दैट आर रिमूव फ्रॉम ए कंट्रीब्यूटेड टू दिस सब स्टेट को एंजाइम सामान्यतया ग्राही और दाता के रूप में कार्य करने वाले केमिकल हैं एंजाइम है ऑफिफंक्शनल ग्रुप और, और, और एटम्स या तो क्रियात्मक समूह या अणुओं के लिए एटम्स के लिए जो रिमूव किससे हुए थे जो निकले थे फ्रॉम ए कंट्रीब्यूटेड टू दी सबस्टेटेड सबस्टेट कोई न कोई सबस्टेट से कोई फंक्शनल ग्रुप सॉरी कोई फंक्शनल ग्रुप या एटम जो निकला था निकला था कहीं से भी किसी भी प्रकार के सब से कंट्रीब्यूटेड टू दिस सब ये किसके द्वारा निकला था सब के द्वारा निकला था ये है को एंजाइम ये लेता भी है अपने साथ ग्रहण भी कर लेता है बांधता भी है और वापिस देता भी है किसको फंक्शनल ग्रुप या कोई एटम को जो सबस्टेट के द्वारा हट गया था टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस दैट रिक्वायर को एंजाइम्स नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एनर्जी को एनजाइम्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दैट रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ को एंजाइम्स या जहां यहां चार प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसके अंदर को एंजाइम भाग लेते हैं पार्टिसिपेंट करते हैं प्रतिभागी होते हैं आवश्यकता होती है इनकी फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग ये चार प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस, रिएक्शन और ट्रांसफर करने वाली अभिक्रियाएं आइसोमेराइजेशन हो रहा है जिसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज फ्रक्टोज का ग्लूकोज में बदलना और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अगर होती है तो इन चार प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए ये को एंजाइम्स जो होते हैं ये भाग लेते हैं या इनकी आवश्यकता होती है मित्रों ये व एंजाइम का सेकंड वीडियो लेक्चर पहले वाले वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको उनका नॉमन क्लेचर और क्लासिफिकेशन बताया था आज वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिसिटी मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम और फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी और को एंजाइम शॉर्ट नोट के बारे में बताया है अब बचती है एंजाइम काइनेटिक्स वो पहले दूसरे वीडियो डालूँगा उसके बाद में डालूँगा क्योंकि रामचंद्रन प्लॉट है ये एंजाइम काइनेटिक्स है ये मैं बाद में डालूँगा इसके बाद जो वीडियो जो आएंगे वो पहले एंडोक्राइनोलॉजी के अंतस्त्री विज्ञान के आएंगे जो विद्यार्थी नियमित रूप से बात कर रहे हैं उनको मेरा तय दिल से आभार अगर आपको मेरा चैनल पे आपको कंटेंट्स मैं जो आपको प्रेषित कर रहा हूँ बढ़िया लगे तो आप वाच तो करेंगे ही करेंगे लेकिन चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर यानी वीडियोज़ को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें अपने मित्रों के साथ मित्रों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं आग्रह कर रहा हूँ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो